केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। गुमला जिले के रायडी प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूर ने किया हंगामा। सेंटर में ना तो सही तरीके से भोजन व शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वह प्रवासी मजदूर किसी का 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी प्रवासी मजदूर को अपने घर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। क्वारंटाइन में सही तरह से कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं प्रखंड के BDO ने बताया कि सभी लोगों को समय से भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अगर व्यवस्था हो तो प्रवासी मजदूर क्यों करते हंगामा। जो ड्यूटी में लगे होमगार्ड के जवान को भी मास्क ग्लव्स भी नहीं दिया गया और मेडिकल की टीम भी आती है और किसी की जाँच भी नहीं करती है, केवल बैठ कर चली जाती है। जब प्रवासी मजदूर से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि जो मूलभूत सुविधा के नाम से कोई भी नहीं है, 25 दिन बीत जाने के बाद भी उनका सैंपल पहुंच नहीं रहा। ना बाथरूम जाने के लिए पानी है, ना पर खाने पीने का सुविधा है, ना पर 14 दिन हो गए, उन लोगों को आज तक रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मिट्टी आता है, नर्स लोग भी सिर्फ बैठता है, किसी को जाँच पड़ताल कुछ नहीं करता है, ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं। तुम्हारा आया हो कितना दिन हुआ? हम लोग आए हैं 16 तारीख को आए, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचा हम लोग तरफ, कोई सैंपल नहीं लिया है। एक बार सैंपल लिया, उसके बाद कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं कर रहे हैं। पर घर में गुजरात में काम कर रहा था, गुजरात से 27 तारीख को आया, 27 तारीख से आज कितना है, 1 तारीख हो गया, 6-7 दिन हो गया, मेरा सैंपल चेक नहीं हुआ है। और खाने पीने के लिए भी थोड़ा दिक्कत होता है, टाइम पे खाना नहीं देता है, नहाने धोने के लिए भी सुविधा नहीं है, ना एक बाल्टी दिया है ना कुछ दिया है, और आज साबुन दिया और बाथरूम वाथरूम में भी पानी नहीं रहता है, ना एक सैनिटाइजर दिया है, ना कुछ दिया है, ना मास्क दिया है, कुछ नहीं दिया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस तरह प्रवासी मजदूर का शोषण हो रहा है, सरकार ऐसे पदाधिकारी पर कार्यवाही करे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं सभी प्रवासी मजदूर रोड पर उतरने को तैयार हो जाएंगे। अजीत सोनी की रिपोर्ट। सर इधर मेडिकल जांच हुआ 9 तारीख को और अभी तक छुट्टी नहीं मिला है सर। हमसे जो पीछे आया था वो लोग चला गया सर, और हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है। कितना दिन हो गया? 25-26 दिन हो गया सर। क्या चाहते हो तुम? छुट्टी चाहते हैं सर। मेरा नाम भी आया है लिस्ट में, बोलता है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया। क्या है राइडी थाना में? होमगार्ड। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ वही नाश्ता के लिए आया था, उसको अंदर के और गेट बंद करके लेडीज लोग आया, नर्स लोग उनको अंदर के। तो ड्यूटी है यहाँ? जी सर। ग्लव्स व्लव्स नहीं पहने बाबू? ग्लव्स अभी नहीं पहना है, रिस्क है ना, छू रहे हो गेट सबको, अब बिना सुरक्षा के हो कैसे तुम? सब प्रवासी मजदूर लोग मतलब यहाँ पकड़ रहे हैं सब गेट को। तो रिपोर्ट कुछ लोगों का 16 से पेंडिंग है, कुछ लोगों का 17 से 18 से है, उन लोगों का 16 दिन हो गया है और किसी प्रकार का उनमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है, जिसके चलते उसको अभी छोड़ना संभव नहीं हो रहा है। और ज़्यादा दिन रह जाने के चलते उनके मन में थोड़ा सा रोष हो गया है, कभी खाना का शिकायत है। मेरे स्तर से कोशिश किया जाता है कि हर समय सोच में कुछ लोग फल का डिमांड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन्हें पूरी दिया जाए, तो जो जो डिमांड करते हैं समय पर नाश्ता खाना दिया जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के चलते कभी कभी 2 बज जाती है, 2:30 बज जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज भी जो है अभी 12:30 बजे तक सबको खाना पहुँच गया है, सब लोग का। संख्या कितनी होगी? संख्या दोनों जगह मिलाकर 196 है।